कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाई गई हेल्प एटीएम मशीन के उद्घाटन के अवसर पर लगभग एक घंटे के अंदर ही पोल खुल गई। जन सामान्य सुविधा के लिए इस अस्पताल में लाई गई मशीन का उद्घाटन कराने के लिए अपना दल एस की क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरभि गंगरवार को बुलाया गया। सजे धजे काउंटर पर स्थापित हेल्प एटीएम मशीन का उद्घाटन विधायक मैडम डॉक्टर सुरभि द्वारा सीएमओ अविनेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की विशेषता को गिनाते हुए किया। इसके बाद इस मशीन से काम लेने की बारी आई तो कुछ लोगों के टेस्ट के बाद ही मशीन फेल हो गई। बामुश्किल एक घंटे में काम न करने वाली मशीन का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ के लोग काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया, एक घंटे तक इंतजार करने के बाद बताया गया कि ऑपरेटर ने मशीन चालू करने का काफी प्रयास किया, लेकिन मशीन ही नहीं चल रही है। इस मशीन में लोगों की सुविधा अनुसार ब्लड टेस्ट, ई एंट्री टेस्ट, SPO2 टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, अलावा ग्लूकोज टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट आदि टेस्ट होंगे। उद्घाटन के बाद लगभग 7 से 8 मरीजों का टेस्ट भी हुआ। इसके थोड़ी देर बाद अपना दल एस के युवा जिला अध्यक्ष अजीत पटेल अपने साथियों के साथ हेल्प एटीएम मशीन की हकीकत जानने के लिए पहुंचे तो पता चला कि मशीन चलाने के लिए 2 ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं, वे मौके पर नहीं है। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद पता चला कि वे अपनी लैब में बैठकर काम कर रहे हैं। एटीएम मशीन ओपीडी में लगाई गई है। काफी कहने सुनने के बाद LTE लगभग एक घंटे के बाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन्हीं के सामने हेल्थ एटीएम मशीन चालू की, लेकिन मशीन चालू ना हो सकी। जब इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर सरवर इकबाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हम परेशान थे, आधे घंटे बुलाने के बाद आए हैं और वो मशीन ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर, इस तरीके से कार्य करते हैं यहाँ के कर्मचारी। और क्या समस्या आ रही है सर? मशीन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, समस्या ये कि स्टाफ कम बताया जा रहा है। तो अब ये मशीन चालू होगी या नहीं? एक घंटे बाद मशीन चालू करने के लिए बोल रहे हैं, लोग यहाँ पे परेशान हैं।